रियलिटी शो में बहुत सारी लव स्टोरीज सामने आई हैं, लेकिन उनमें से सभी को मंजिल नहीं मिली। तो चलिए हमारी इस स्टोरी में हम आपको उन लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रियलिटी शो में एक दूसरे को डेट किया, लेकिन वो अपनी प्रेम कहानी को आगे नहीं ले जा सके। कुशाल टंडन, गौहर खान। छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक कुशाल टंडन और गौहर खान ने बिग बॉस 7 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। गौहर उस सीजन की विजेता बन गई और साथ ही फैंस को दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आई। हालांकि फैंस उन्हें आगे भी देखना चाहते थे, मगर साल भर के अंदर ही कुशाल और गौहर का ब्रेकअप हो गया। करिश्मा तन्ना, उपेन पटेल। करिश्मा और उपेन भी बिग बॉस के घर में मिले थे। बिग बॉस के घर से उभरने वाले सबसे हॉट कपल में से एक करिश्मा और उपेन ने अपनी हॉट जोड़ी से दर्शकों का दिल जीता था। यहाँ तक कि दोनों नचबलिए में भी साथ नजर आए। नचबलिए के सेट पर उपेन ने अपने घुटनों के बल बैठकर करिश्मा को प्रपोज करके सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा उपेन और करिश्मा ने साथ में MTV के शो लव स्कूल को होस्ट भी किया था, मगर उसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, जिसका कारण पता नहीं चल पाया है। तनिषा मुखर्जी, अरमान कोहली। बिग बॉस के घर में तनिषा और अरमान की नजदीकियों को उनके परिवार ने ठीक नहीं समझा। इसके बावजूद उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। हालांकि अरमान और तनिषा की भी प्रेम कहानी बिग बॉस के साथ ही खत्म हो गई। राखी सावंत और इलेश परुजनवाला। राखी सावंत ने 2009 में एक रियलिटी शो के साथ नेशनल टेलीविजन पर अपने स्वयंवर का आयोजन किया था। इस शो के दौरान राखी ने इलेश से सगाई भी की, लेकिन ये रिश्ता भी जल्द खत्म हो गया। राहुल महाजन और डिम्पी गांगुली। राहुल महाजन ने रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे में मॉडल और एक्ट्रेस डिम्पी गांगुली से शादी की थी। शादी के बाद डिम्पी ने राहुल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। श्रद्धा आर्या और आलम मकर। पिछले नवंबर के महीने में ही श्रद्धा ने नचबलिए 9 के मंच पर सबके सामने आलम को लेकर अपने प्यार को स्वीकार किया था। वो पहला मौका था जब श्रद्धा आर्या ने रिश्तों को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा था। श्रद्धा और आलम की जोड़ी ने नच के मंच पर खूब जमकर डांस भी किया था। हालांकि तब बहुत से दर्शकों को ये जरूर लगा था कि ये सब शो के दौरान पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए है, लेकिन फिर खबरें ये आई कि दोनों की सगाई हो गई है और तब इन दोनों ने काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन शो के खत्म होने के तुरंत बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।